हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में ही मूवी एक कोरी प्रेम कथा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फॉरेन कंट्री से, जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। एक्चुअली कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए वो माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की वर्जिनिटी टेस्ट हो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन बेटी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन माँ के कहने पर वो टेस्ट करवाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसका हाइमन ब्रेक है, यानी कि वो वर्जिन नहीं है। अब ये सुनने के बाद वो बेटी काफी शॉक थी और वो डॉक्टर को बताने लगती है कि उसका कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि वो तो उसकी बातों पर यकीन कर लेगी, लेकिन क्या उसका होने वाला हस्बैंड उसकी बातों पर यकीन कर लेगा। डॉक्टर उसे बताती है कि हाइमन ब्रेक होने के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि फिजिकली एक्टिव होने के बाद ही ये सब कुछ होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ पर डाउट लेते हैं और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वो अपनी सर्जरी करवा ले, ताकि उसके ऊपर कोई सवाल ना उठे, जिसके बाद वो लड़की अपनी सर्जरी करवा लेती है। और हमें बताया जाता है कि किस तरह अभी भी कई जगहों पर लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है, जिसके बाद हम इंडिया के एक छोटे से गाँव को देखते हैं, जहाँ के मुखिया थे प्रधान जी। प्रधान जी गांव के सबसे पावरफुल और पैसे वाले आदमी थे, इसलिए उनकी बात गांव में कोई भी नहीं डालता था। आज प्रधान जी पंचायत में जाते हैं, क्योंकि वहां पर आज उन्हें एक फैसला करना था। एक्चुअली गांव के एक लड़के की शादी हुई थी और कल रात को उसकी सुहागरात थी। उस गांव में ये रूल था कि सुहागरात को कपल को व्हाइट बेडशीट दी जाती, और सुहागरात मनाने के बाद अगर उस बेडशीट पर खून के धब्बे ना हो तो इसका मतलब है लड़की वर्जिन नहीं थी, और अगर खून के दाग हो तो इसका मतलब है लड़की वर्जिन है और सब कुछ ठीक है। जिसके बाद अगले दिन उस बेडशीट को सभी गांव वालों के सामने ओपन किया जाता और सबको ये दिखाया जाता, और आज भी वैसा ही कुछ होने वाला था। आज एक कपल की बेडशीट वो लोग ओपन करते हैं तो उसके ऊपर खून के दाग नहीं थे। ये देखकर प्रधान जी समझ जाते हैं कि वो लड़की वर्जिन नहीं थी। हालांकि लड़की सबको बता रही थी कि शादी से पहले उसका किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जिसके बाद प्रधान जी उस लड़की से कहते हैं कि उसने झूठ बोल के शादी करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए उस लड़की को सजा होगी। लेकिन वो लड़की सबको यही बता रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर वो सच्ची है तो उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी, जैसे कि सीता माता ने दी थी। अगर लड़की सच्ची है और वो कोयले पर चलेगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो झूठी है तो उसके पैर जल जाएंगे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उस लड़की को कोयले पर चलना पड़ता है और उसके पैर जल जाते हैं, और ये देखकर प्रधान जी कहते हैं कि ये लड़की झूठी है, इसलिए अब उसे सजा मिलेगी। प्रधान जी लड़की से कहते हैं कि लड़के के पिता ने जितने भी पैसे शादी में खर्च किए थे वो सारे पैसे लड़की के पापा को लौटाने होंगे, साथ ही गांव में शुद्धि के लिए एक पूजा करनी होगी और सबको प्रसाद बांटना होगा, और उसका खर्चा भी लड़की के पापा करेंगे, और अगर उसके बाद उसका पति उसे अपने साथ रखना चाहता है तो वो अपने ससुराल में रह सकती है, नहीं तो उसे अपने मायके वापस जाना होगा। अब ये सब सुनने के बाद वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो अपने पति को समझाने लगती है कि कम से कम वो तो उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन उसका पति कहता है कि कोई भी प्रधान जी के खिलाफ नहीं जा सकता। ये बोलकर वो अपनी पत्नी को मायके ले जाने लगता है, ताकि वो अपने पिताजी से बात करे और उनके पैसे लौटाए, लेकिन वो लड़की कैसे अपने पिता से कहती कि वो वर्जिनिटी के टेस्ट में फेल हो गई, इसलिए उन्हें उसका मुआवजा देना होगा। वो लड़की अपने पति को समझाती है कि उसकी और तीन बहनें हैं, अगर उसके पापा को ये सब कुछ पता चल गया तो उन बहनों की शादी कैसे होगी और उसके पापा ये सब खर्चे कैसे करेंगे, लेकिन उसका पति उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। ये देखने के बाद वो लड़की खुद को खत्म कर लेती है, जो देखकर उसका हस्बैंड काफी शॉक था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्यार तो बहुत करता था लेकिन वो उसका साथ नहीं दे पाया, इसलिए वो इस सब के बारे में परीक्षा नाम की लड़की को बता रहा था। एक्चुअली परीक्षा भी उसी गांव से है और उसी गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद वो भी उस टेस्ट में फेल हो गई थी, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। परीक्षा ने सारा मुआवजा भी भरा था, लेकिन फिर भी उसका पति उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए परीक्षा ने गाँव के बाहर एक छोटा सा घर बनाया था और वो वहीं पर रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जिस दिन ये कुप्रथा बंद होगी और उसका पति सब कुछ समझ जाएगा तो वो उसे वापस लेकर जाएगा। जिसके बाद हम प्रधान जी के बड़े बेटे लाल सिंह को देखते हैं, जिसे सब लोग लड्डू कह के बुलाते थे, लेकिन लड्डू की अपने पापा के साथ ज्यादा नहीं बनती थी।
एक्चुअली लड्डू की माँ ने लड्डू को पैसे दिए थे ताकि वो बाइक खरीद सके, लेकिन लड्डू को बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसने बाइक तो खरीद ली थी लेकिन वो चलाते उसके फ्रेंड्स थे। जब लड्डू के पापा को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे बहुत सारी बातें सुनाते हैं, क्योंकि लड्डू घर का बड़ा लड़का था लेकिन वो कोई भी काम नहीं करता था। उसका जो छोटा भाई था उसने सारे बिजनेस संभाल लिए थे, साथ ही उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन लड्डू के पास ना ही काम था और ना ही उसकी शादी हुई थी। इसलिए घर वाले चाहते थे कि लड्डू की शादी हो जाए ताकि वो काम के बारे में भी सोचे। तो वही लड्डू करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। इसलिए जब आज लड्डू अपने फ्रेंड के साथ शहर जा रहा था तो उसका फ्रेंड लड्डू से कहता है कि वो खुद बाइक चलाना सीख ले, क्योंकि आखिर कब तक लड्डू अपने दोस्तों को लेकर बाइक पर घूमेगा। जब लड्डू की गर्लफ्रेंड होगी तब तो उसे खुद ही बाइक चलानी होगी, जिस पर लड्डू कहता है कि वो कोई ऐसी लड़की ढूंढेगा जो खुद बाइक चलाती हो। जिस पर उसके फ्रेंड का कहना था कि यहाँ की लड़कियाँ तो साइकिल भी नहीं चलाती, तो उसे बाइक चलाने वाली कहाँ पर मिलेगी। तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़की बाइक पर आ रही थी और दो लड़कों का पीछा कर रही थी, क्योंकि उन दोनों ने एक लड़की को छेड़ दिया था। वो लड़की उन दोनों लड़कों को पकड़ लेती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाती है, जो देखने के बाद लड्डू काफी इम्प्रेस हो गया था। और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सभ्यता है। अब सभ्यता की बात करें तो सभ्यता काफी मॉडर्न थिंकिंग वाली लड़की थी। वो जब अपने घर जाती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है, क्योंकि सभ्यता को बस ड्राइवर की जॉब मिल गई थी, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि ये सारे काम तो लड़कों के हैं, सभ्यता लड़की होकर ये काम कैसे करेगी। लेकिन सभ्यता कहती है कि वो इसे कर लेगी। अब सभ्यता के घर वालों की बात करें तो सभ्यता के घर में उसके माँ पापा और छोटी बहन है। एक्चुअली सभ्यता के पापा भी काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए उन्होंने सभ्यता को बचपन से ही कोई काम करने के लिए मना नहीं किया था। लेकिन आज जब उन्हें पता चलता है कि सभ्यता बस ड्राइवर बनने वाली है तो वो उसे समझाते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन सभ्यता कहती है कि वो हर सिचुएशन के साथ डील कर लेगी। जिसके बाद सभ्यता अपना जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जब पैसेंजर्स को पता चलता है कि एक लड़की बस चलाएगी तो वो सारे लोग डर जाते हैं, कोई भी बस में बैठने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहां पर लड्डू आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बस में बैठ जाता है, साथ ही वो लोगों को बताता है कि किस तरह लड़कियां प्लेन चलाती है और ये तो बस है। इस तरह से बातें करने पर सारे लोग फिर से बस में आकर बैठ जाते हैं, जो देखकर सभ्यता लड्डू से काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब इसी तरह से लड्डू और सभ्यता अक्सर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब एक दिन जब सभ्यता बस से जा रही थी तो उसकी बस में जो प्रेग्नेंट पैसेंजर थी उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर सभ्यता जल्दी से बस हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज था जिसे उसने आधा पार कर लिया था, लेकिन सामने प्रधान जी की गाड़ी आती है और प्रधान जी का ड्राइवर सभ्यता को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहता है। एक्चुअली उस ब्रिज पर एक वक्त पर एक ही गाड़ी जा सकती थी, लेकिन सभ्यता उसे समझाने लगती है कि उसकी गाड़ी में एक पेशेंट है जिसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन प्रधान जी का ड्राइवर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद सभ्यता प्रधान जी को जाकर कहती है कि उन्हें इतनी इंसानियत रखनी चाहिए कि वो किसी पेशेंट को पहले जाने दें। अब ये सारी बातें सुनने पर प्रधान जी उसकी बात मान लेते हैं और जिंदगी में पहली बार अपनी गाड़ी पीछे लेते हैं। अब ये सब कुछ परीक्षा देख रही थी और वो सभ्यता की इन बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वो समझ गई थी कि प्रधान जी को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वो सभ्यता ही है। जिसके बाद हम लड्डू को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसके घर वालों ने लड़की वालों को घर पर बुलाया था ताकि वो लड्डू की शादी फिक्स कर सके। अब ये बात सुनकर लड्डू काफी डर जाता है, क्योंकि वो प्यार तो सभ्यता से करता था, लेकिन अपने घर वालों को ये सब बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो ये बात जब सभ्यता को बताता है तो सभ्यता खुद ही लड्डू को उसके घर पर लेकर आती है और लड्डू के घर वालों से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सब सुनने के बाद प्रधान जी लड्डू पर काफी गुस्सा थे और वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लड्डू की माँ प्रधान जी से कहती है कि वो अपने बेटे की खुशी चाहती है। एक्चुअली काफी मन्नत मांगने के बाद उन्हें लड्डू हुआ था। अब प्रधान जी भी अपनी वाइफ की बात मान लेते हैं और सभ्यता को शादी की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद लड्डू और सभ्यता की शादी हो जाती है। अब उनकी सुहागरात थी और सुहागरात को जिस तरह से रूल था उसी तरह से लड्डू को व्हाइट बेडशीट दिया जाता है। जब सभ्यता ये देखती है कि लड्डू व्हाइट बेडशीट बिछा रहा था तो वो लड्डू पर गुस्सा हो जाती है, तो लड्डू उसे कहता है कि ये उनके गांव का रिवाज है और उसे पूरा यकीन है कि सभ्यता कोरी ही होगी। जिस पर सभ्यता कहती है कि वो चाहे जो भी हो पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और अगर लड्डू को ये सब जानना था कि वो कोरी है या नहीं तो शादी से पहले उसे पूछ लेता
अब ये सब करके उसे क्या मिलेगा? सबके सामने वो अपनी वाइफ की इस तरह से इंसल्ट क्यों करना चाहता है? जिस पर लड्डू से यही कह रहा था कि ये उनका रिवाज है और इसमें कोई भी इंसल्ट नहीं है। अब ये सब सुनने पर सभ्यता गुस्सा हो जाती है और लड्डू को रूम से निकाल देती है, जिसके बाद लड्डू उस रात बाहर ही सोता है। अब अगले दिन सब लोग इंतजार कर रहे थे उस सफेद बेडशीट का, लेकिन जब सब लोग देखते हैं कि लड्डू बाहर सो रहा था तो घर वाले काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सभ्यता इस टेस्ट के लिए रेडी नहीं थी। ये बात जब प्रधान जी को पता चलती है तो वो भी सभ्यता पर काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। साथ ही गाँव वाले बातें बना रहे थे कि प्रधान जी की बहू की बेडशीट पर दाग नहीं था तो अब प्रधान जी अपनी बहू के साथ क्या करेंगे। अब इस सब इंसल्ट से प्रधान जी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन अगले दिन वो देखते हैं कि सभ्यता वापस अपना काम ज्वाइन कर रही थी। अब सभ्यता अपना यूनिफॉर्म पहनकर जब जा रही थी तो सभी घर वाले उसे डांटने लगते हैं कि वो शादी के बाद ये सब ना करे, उसे अपना काम छोड़ना होगा। लेकिन सभ्यता कहती है कि उसने लड्डू को शादी से पहले ही बताया था कि शादी के बाद भी वो अपना काम कंटिन्यू करेगी और लड्डू ने उसके लिए हाँ भी कहा था, इसलिए वो अपना काम बंद नहीं करेगी। अब ये सुनने के बाद लड्डू के घर वाले सभ्यता को काफी सारे बातें सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनके घर से निकल जाए, जिसके बाद सभ्यता वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जब शाम को लड्डू घर पर वापस आता है तो उसे सभ्यता कहीं पर भी नहीं मिलती। वो जब घर वालों से पूछता है तो उसके घर वाले उसे जो कुछ भी हुआ वो बता देते हैं, जिसके बाद लड्डू सभ्यता से मिलने जाता है और उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन सभ्यता उसकी बात नहीं सुनती। वो लड्डू से कहती है कि वो कोई भी टेस्ट नहीं देगी, तभी वो वापस आएगी। अब ये सब सुनकर लड्डू सभ्यता से कहता है कि जरूर वो शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन में होगी, तभी उसे ये टेस्ट नहीं देना। अब ये सब सुनकर सभ्यता को काफी गुस्सा आता है और वो लड्डू से कहती है कि हाँ वो पूरे गांव के साथ सोई है, उसे जो समझना है समझ ले, लेकिन वो अपना टेस्ट नहीं देगी। अब ये सब सुनने पर लड्डू भी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो वही प्रधान जी सभ्यता के मम्मी पापा को समझाने लगते हैं कि वो सभ्यता को समझाए, लेकिन सभ्यता के मम्मी पापा कहते हैं कि वो अपने बेटी के साथ है, वो उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम परीक्षा को देखते हैं जो सभ्यता से मिलने आती है। वो सभ्यता को बताती है कि लड्डू सभ्यता से बहुत प्यार करता है, लेकिन सभ्यता जो लड्डू को समझाना चाहती है वो उस बात को नहीं समझ पा रहा, इसलिए वो सभ्यता से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार लड्डू को समझाए, वो उसे इतना प्यार करता है कि वो सब कुछ समझ जाएगा। तभी वहां पर लड्डू आता है और वो सभ्यता से माफी मांगता है। लड्डू सभ्यता से कहता है कि अब तक उसके पापा ने यही कहा था कि ये कोरी प्रथा उनकी एक परंपरा है, इसलिए लड्डू को ये बात कभी भी गलत नहीं लगी, लेकिन जाने अनजाने में वो लोग कितना गलत काम कर रहे थे ये अब वो समझ गया है। लड्डू कहता है कि परंपरा के नाम पर उनके गांव के लोग अपने वाइफ के कैरेक्टर को सबके सामने उछालते हैं और अगर बेडशीट पर खून ना हो तो उस लेडी को कैरेक्टर लेस समझा जाता है, जबकि वो सब होने के और भी काफी सारे रीजंस थे। एक्चुअली लड्डू जब गांव पर गया था तो उसने वहां पर काफी रिसर्च किया और उसके सामने सच्चाई आ गई। लड्डू कहता है कि गांव में 20 साल पहले लड्डू की बुआ जी ने भी ये सब टेस्ट करने से मना किया था। वो अपने बहू के साथ खड़ी हुई थी और उसने ये टेस्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बुआ जी के घर को आग लग गई जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई। तब से सभी लोगों को लगने लगा कि अगर वो लोग अपनी वाइफ की ये टेस्ट नहीं करेंगे तो उनकी गाँव की देवी नाराज हो जाएगी और इस तरह से प्रकोप करेगी, इसलिए गांव वाले डर के मारे ये सब करने लगे। लेकिन लड्डू कहता है कि अब वो समझ चुका है कि बुआ जी के घर पर आग देवी के प्रकोप की वजह से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अब उसकी आंखें खुल गई है और वो गांव वालों की आंखें भी खोलेगा, जिसके बाद वो सभी लोग गांव वालों को एक सॉन्ग के जरिए ये सब कुछ समझाने लगते हैं। अब गाँव की औरतें भी समझने लगी थी कि क्यों किसी के साथ फिजिकल ना होते हुए भी उनमें से खून नहीं निकला था, इसलिए वो सब अब इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो प्रधान जी को शादी के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है और सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन सुहागरात के अगले दिन सब लोग देखते हैं कि उस सफेद बेडशीट पर कोई भी दाग नहीं था। ये देखकर प्रधान जी कहते हैं कि ये लड़की भी दूषित है, इसलिए उसे भी सजा मिलनी चाहिए। वो लड़की सबको फिर से बताने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन प्रधान जी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो लड़की से कहते हैं कि अगर वो सच्ची है तो वो इस कोयले पर चलकर दिखाए, अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सच्ची है और अगर उसके पैर जल गए तो वो झूठी है। जब ये सब कुछ चल रहा था तभी वहां पर सभ्यता, परीक्षा और प्रधान जी की वाइफ भी आती है और उन्हें ऐसा करने से रोकने लगती है। वो लोग प्रधान जी को समझाने लगते हैं कि खून न आने के और भी काफी सारे रीजंस होते हैं,
जैसे कि दौड़ना, साइकिलिंग या कुछ और भी, लेकिन प्रधान जी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां पर लड्डू भी आता है और प्रधान जी से कहता है कि अगर कोई भी सच्चा हो और कोयले पर चलता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो इस बार लड़कियां नहीं बल्कि लड़के कोयले पर चलेंगे और सबसे पहले कोयले पर से वो चलेगा। अब ये सुनने के बाद प्रधान जी काफी शौक थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को जानते थे कि अगर जलते हुए कोयले पर कोई भी चलेगा तो उसके पैर जल ही जाएंगे। इसलिए जब लड्डू कोयले पर चलने के लिए जाने लगता है तो वो उसमें पानी डालकर आग को बुझा देते हैं और सबसे माफी मांगते हैं और कोरी प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहू को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने सपोर्ट से उसे पायलट बनाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एक कोरी प्रेम कथा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।